जितने टाइम में आप इस लटकन को बाजार से लेने जाओगे तो उतने टाइम में तो आप खुद भी बनाकर तैयार कर लोगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बनाएंगे कपड़े से बने हुए लटकन, जिसके लिए हमने ली है जिगजैग लेस और कपड़े के स्क्वायर पीसेस। चार पीसेस हमने फैब्रिक के लिए हैं और चार लाइनिंग के लिए हैं। आप सिर्फ कपड़ा भी यूज़ कर सकते हो अगर आपका लाइनिंग वाला स्टफ़ नहीं है तो हमने एक बनी बनाई डोरी ली है। उसके बाद हमने बुकरम के स्क्वायर पीसेस काट लिए हैं, जो कि हमने चार पीस लिए हैं। स्क्वायर की लंबाई हमने 3 और चौड़ाई भी इसकी 3 इंच ली है। आप इसका साइज़ अपने अकॉर्डिंग बड़ा छोटा कर सकते हो और चाहे तो आप इसकी शेप भी चेंज कर सकते हो। इसके बाद हम अपने फैब्रिक को लेंगे जो हमने कट करके रखे हैं। अगर आपका लाइनिंग वाला स्टफ़ है तो सबसे पहले आप अपना कपड़ा रखेंगे, उसके ऊपर लाइनिंग रखेंगे और फिर उसके बाद बुकरम के पीस को इसके ऊपर रख देंगे और बाकी पीसेस को भी आपको इसी तरह ही रखना है। ये लटकन आजकल बहुत चल रहे हैं और बनाने में भी बहुत ही आसान है। जितने टाइम में आप इस लटकन को बाज़ार से लेने जाओगे तो उतने टाइम में तो आप खुद भी बनाकर तैयार कर लोगे, क्योंकि कपड़ा तो हमारा सूट में से बच ही जाता है। आप देख ही सकते हो कि इसको कितना कपड़ा लगा है। कम कपड़े में भी ये लटकन आसानी से बन जाएंगे। बुकरम के चारों पीसों को हमने कपड़े के ऊपर रख लिया है। इसके बाद हम इसको एक एक करके स्टिच करेंगे। सबसे पहले बुकरम की एक साइड पर हमें एक एक पैर की सिलाई लगानी है। इसको एक साइड सिलाई लगाने के बाद इसकी तीनों साइड को भी ऐसे ही फोल्ड करके सिलाई लगानी है। यहाँ पे हमें थोड़ा सा कोना बना लेना है। उसके बाद हमें सीधी सिलाई ले जानी है। ऐसे करके हम चारों साइड को ऐसे ही मोड़ देंगे। इसको फोल्ड करते समय हमें ये ध्यान रखना है कि हमें कपड़े को ज़्यादा खींचना नहीं है और ना ही ज़्यादा ढील रखनी है। बहुत ही अच्छे से आपको ये फोल्ड करना है, जैसे कि आप देख ही रहे हो। चारों साइड सिलाई लगाने के बाद हमारा ये एक पीस रेडी हो जाएगा। इसी तरह ही आपको ये सारे पीस रेडी करने हैं। सिलाई लगाने के बाद इसके बाद जो हमारा रफ कपड़ा बचता है हम उसको थोड़ा थोड़ा सा काट देंगे। ऐसे ही हमारे चारों पीस बन के रेडी हो चुके हैं, जो कि आप देख ही रहे हैं। इसके बाद हम अपने एक पीस को लेंगे और हमने एक जिगजैग लेस ली है, उसको हम इसके 4 साइड में लगाने वाले हैं। आप यहाँ पे कोई भी लेस का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको हैंगिंग वाली मोती लेस लगानी है तो आप वो भी लगा सकते हो। हम इस बुकरम के पीस के ऊपर एक साइड में लेस को रखकर सिलाई लगाएंगे। इसकी किनारी के ऊपर लेस को रखना है। सिलाई को सीधा लगाकर हमारे नीचे वाली साइड में जो कोना है वहाँ पे हम थोड़ा सा फोल्ड कर लेंगे। इसी तरह हम चारों साइड में लेस को लगाकर सिलाई कर देंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकन पर भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना। स्टिचिंग से रिलेटेड और भी बहुत सारी वीडियोस हैं हमारे चैनल पे, जो कि आप इस वीडियो के बाद देख लेना। लटकन के चारों साइड में हम लेस को लगाकर इसको फिनिश कर देंगे। ऐसे ही हम अपने चारों लटकन को ऐसे ही बनाएंगे। लास्ट में इस लेस को थोड़ा सा बढ़ाकर काटेंगे। इसको हम फोल्ड करके यहाँ पे पक्की सिलाई लगा देंगे ताकि ये निकल ना जाए। ऐसे ही करके हमने अपने चारों पीस रेडी कर लिए हैं। रेडी करने के बाद हम अपने 2 पीसेस को लेंगे। एक पीस को हम सबसे पहले उल्टा रखेंगे, उसके बीच में हम डोरी रखेंगे और दूसरे पीस को उसके ऊपर ऐसे रखकर हम चारों ओर में सिलाई लगा देंगे। डोरी को हम दोनों पीसेस के कोने में रखेंगे और सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। दोनों पीसेस को हम अच्छी तरह से मिलाकर सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के पहले आप थ्रेड चेंज कर लेना, जो कि हमारी लेस के कलर का होगा। ऊपर और नीचे दोनों साइड में हमें लेस के कलर का थ्रेड यूज़ करना है और अच्छे से चारों पॉइंट को मिलाकर सिलाई लगानी है। लास्ट में हमें पक्का करके सिलाई लगानी है। अगर आपको सूट में ऐसे लटकन लगाकर वॉश करने में दिक्कत आती है तो आपको एक ट्रिक बताना चाहती हूँ। जैसे कि आपने देखा कि हमने डोरी को लटकन के बीच में से फिट किया है, तो आपको डोरी को ऐसे फिट नहीं करना है। बिना डोरी के आपको खाली लटकन को ही पहले ऐसे स्टिच कर लेना है। उसके बाद जो हमारी डोरी होगी उसको हम थोड़ा सा फोल्ड करके हुक लगा देंगे और दूसरी साइड हम लटकन के कोने के ऊपर आई बना देंगे, जिससे कि हमारे लटकन हुक के साथ अटैच हो जाएंगे, यानी कि हमारी डोरी के साथ। ऐसा करने से आप वॉश करते समय इन लटकन को निकाल लीजिए और फिर आप जब पहनना होगा सूट तो आप फिर से लगा सकते हो। ये सबसे बेस्ट तरीका है। और अगर आप और लटकन की वीडियो देखना चाहते हो, उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां चेक कर सकते हो। और इसी के साथ ही हमारे दोनों लटकन बनके तैयार हो चुके हैं। आप देख ही सकते हो कितने सिंपल और
प्यारे से लटकन बनकर तैयार हुए हैं और आप भी इसे ट्राई जरूर करना और वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, है ना इजी लटकन। इसी के साथ हमारी वीडियो होती है ख़त्म, जल्द ही लौटेंगे अगली वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ, उतने में आप ये लटकन ज़रूर ट्राई कर लेना और मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।